और देखिए, ये जो हमारी सुबह होती है, इसमें ये आजकल जो चल रही है स्पेशल है ये कमांडो ट्रेनिंग। और कमांडो ट्रेनिंग में आप सब लोग बहुत ही शानदार तरीके से भाग ले रहे हैं और 31 जुलाई को 50 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। इसका भी हम सेलिब्रेशन करेंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने अभी तक इस कमांडो ट्रेनिंग को बहुत बढ़िया तरीके से लिया है और इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 50 दिन में कौन कौन लोग हमारे कमांडो हैं ये पता चलने वाला है, कितने लोग इस दौड़ में शामिल हैं। और उनको यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि मेरे कुछ नंबर कम रह गए होंगे या मुझे अपने नंबर अपडेट करने हैं और बेटर करने, तो उसके लिए अब इस अगले 1 हफ्ते में आपको कुछ चांस मिलने वाले, कुछ बोनस पॉइंट मिलने वाले। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं बोनस पॉइंट लेने के लिए? अपने आप को कमांडो में कहीं ऐसा ना हो कि कम रह जाए नंबर इस चीज को पूरा करने के लिए। तो कल 25 तारीख है और 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक, जब तक 50 दिन कंप्लीट होते हैं, उन सब लोगों को मौका मिलने वाला है जिनको अपने नंबर बढ़ाने हैं। और जिनको अपने नंबर बढ़ा के और बेटर करना है, तो उसके लिए कल कल से 25 तारीख से कुछ नंबर काउंट होंगे एक्स्ट्रा। एमएमसी में जो अपना वीडियो ओपन रखेंगे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कल से एमएमसी में जो लोग अपना वीडियो ओपन रखेंगे पूरे पूरा टाइम, पूरा आधा घंटा जिनका वीडियो ओपन रहेगा एमएमसी में, उनको एक्स्ट्रा 5 नंबर दिए जाएंगे कल से। तो सभी लोग टू द पॉइंट बोलना है, तो ये कल से रहेगा। कल से इनविटेशन के ऊपर जितने भी लोग बोलेंगे, प्रैक्टिकल जो लोग बात करेंगे उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये कमांडो ट्रेनिंग के लिए जोड़े जाएंगे मार्क्स। सभी लोग ध्यान दीजिए, और कितने लोगों ने बात की है इस बात के लिए हमारे सभी लीडर्स को हम एक्टिव करेंगे और हम लोग तो खुद एक्टिव रहेंगे ही। तो बहुत ही शानदार हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है आज से, इनविटेशन। और इस इनविटेशन के ऊपर ही जो जो बोला जाएगा, रोज का जो लोग सुनेंगे, रोज के जो जो बातचीतें होंगी, उसी के ऊपर इस वीक का क्वेश्चन पेपर तैयार होगा 100 नंबर का। तो ये 100 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानती हूँ। अगले संडे यानी 30 तारीख को ये क्वेश्चन पेपर इनविटेशन के ऊपर रहेगा और इसमें भी आपके 100 नंबर लाने का पूरा पूरा चांस है। और इस 31 तारीख को 50 दिन कंप्लीट होने के बाद कौन कौन इस कमांडो की रेस में है, कौन कौन कमांडो को अपने कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। ये नाम आपको सुनने को मिलेंगे, आपको उनसे बात करने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त उनका हम एडिफिकेशन करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? कितने लोग जरा मी लिख दीजिए चैटिंग में कि यस, आप कमांडो की शानदार इस सफर में जोर शोर से करने वाले हैं और अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने वाले हैं इस चीज के लिए कि बोनस अंक भी मिले आपको। क्योंकि यदि अभी बैठे रह जाएंगे आप, तो हो सकता है कि बोनस अंक लेके कुछ लोग आगे निकल जाएं और कुछ लोग सोचते ही रह जाएं कि हम भी तो हैं। तो जब बोनस अंक मिलते हैं तो बोनस सबको लेना चाहिए। तो यहाँ देखा जाएगा कि कौन कौन बोलने के लिए रेडी है, क्योंकि इनविटेशन बोलने का है। लिस्ट में तो हमारे हाथ और कलम चलती थी, लेकिन इनविटेशन में जुबान चलनी चाहिए, मुंह चलना चाहिए, तभी इनविटेशन होगा। जिनके हाथों को मोबाइल उठाने की भारी लगते हैं, जिनको बोलने में तकलीफ होती है, वो लोग इनवाइट नहीं कर पाते। और जो इनवाइट नहीं कर पाते वो प्लान नहीं दिखा पाते, और जो प्लान ही नहीं दिखाएंगे वो फॉलोअप कैसे करेंगे। तो इनविटेशन बोलने का विषय है, और कल से आपके नंबर जुड़ेंगे इस बात के लिए कि यदि आप बोलते हैं तो आपको बोलने के नंबर मिलेंगे। तो कल से हमारा नंबर का ऐड होगा और आज हम इनविटेशन को, क्या है इनविटेशन, कैसे करना चाहिए इनविटेशन, और इनविटेशन के ऊपर जानकारी के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में हमारे बेहतरीन लीडर एनटीसी मुकेश सिंह जी। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कमांडो प्रोग्राम में। और जैसा कि मैम ने बताया, ये हमारा वीक मार्क्स इकट्ठे करने का है, नंबर इकट्ठे करने का है। जिनके नंबर कम भी रह गए हैं वो लोग भी बोनस के नंबर लेके इस वीक में अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। और स्पेशली जैसे बताया कि इन्विटेशन के ऊपर, जो लोग कल से यहाँ प्रैक्टिकल इन्विटेशन करके दिखाएंगे, जो लोग यहाँ इनविटेशन करेंगे उनको भी नंबर्स मिलने वाले हैं। बाकी मैम से मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, मैम ये जितने भी कमांडोज हैं, क्योंकि बिना जीटीएस के कोई भी कमांडो नहीं बन सकता,
बिना जीटीएस के हमारे बिजनेस में सक्सेस हो ही नहीं सकते। जीटीएस है तो सक्सेस है, जीटीएस नहीं है तो आप सिंपल समझ के चलिए सक्सेस मिलेगी ही नहीं। और ऐसा आज तक मेरी भी नॉलेज में कोई ऐसा एग्जाम्पल आज तक आया नहीं है जो बोले जी मैंने कभी जीटीएस को तो फोकस ही नहीं किया, मैं कभी जीटीएस में गया नहीं और इस बिजनेस में डायमंड बन गया या सीलिंग अचीवर बन गया या मेरी लाखों की टीम खड़ी हो गई। हाँ, वो जीटीएस की जगह बीओपी का नाम तो सुना होगा, कोई बीओपी बोलता है कोई जीटीएस बोलता है, लेकिन आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला होगा जो बोले कि बिना जीटीएस या बिना बीओपी के वो सक्सेस हो गया। तो हम लोग भी हमारे कमांडोज जितने भी यहाँ पे जो कमांडो बन रहे हैं उनको भी हम ये चाहते थे कि कमांडो बनाने के पीछे उद्देश्य एक ही है कि आपको सक्सेस मिले, आपको सफलता मिले। अब सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, उसी के लिए जीटीएस इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों को एक चीज का पर्सनली आप सुझाव मानिए, रिक्वेस्ट मानिए, गाइडेंस मानिए, सलाह मानिए। आपको यदि इस बिजनेस में कामयाब होना है और कमांडो बनना है, सीरियसली कमांडो बनना है, तो आपके एरिया में जहां जहां भी जीटीएस होते हैं, चाहे बरेली है, चाहे अलीगढ़ है, चाहे दिल्ली है, आप कुछ भी भूल जाओ लेकिन जिस दिन जीटीएस है उस दिन बस जीटीएस मत भूलिएगा। आप कुछ भी भूल जाइए, खाना भूल जाइए, सोना भूल जाइए, नहाना भूल जाइए, जो कुछ चाहो सब भूल जाना, बस लेकिन जीटीएस को जरूर याद रखिएगा क्योंकि कमांडो वही बनेगा जो जीटीएस में जाएगा। और मैं तो ये चाहूंगा कि मैम से कि क्योंकि नंबर्स इकट्ठे करने की बात हो रही है तो हमारे ये जितने भी लोग हैं जो लोग जीटीएस में जाएं और जीटीएस में प्रेजेंस दिखाएं अपनी, उनको भी नंबर दिए जाएं और उनको सबसे ज्यादा नंबर दिए जाएं, और जो साथ में नए गेस्ट लेके जाए नए गेस्ट के ऊपर भी नंबर दिए जाए, और नए गेस्ट पे नंबर और खुद जाने पे नंबर, इनको नंबर दिए जाए तो मैम बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप इस पे विचार कीजिएगा और ये आप लास्ट में बता दीजिएगा कि हम क्या नंबर दे सकते हैं, नए गेस्ट पे क्या दे सकते हैं, इनको हम क्या दे सकते हैं। और बाकी अभी जब तक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा इनविटेशन विद एडिफिकेशन, ड्रीम कंप्लीट हो गया हमारा, सब लोगों के ड्रीम बुक बन गई, विजन बोर्ड बन गए, गोल कार्ड बन गए, आप लोगों ने अपने अपने पोस्टर्स को सब जगह पे पेस्ट कर दिया, सपनों के बारे में आप बात कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो अपने अपने सपनों के बारे में, राइट? तो यानी आपका जो पहला पॉइंट था सिस्टम का ड्रीम वो कंप्लीट हो गया। दूसरा फिर हम लोगों ने बात की लिस्ट के ऊपर, लिस्ट भी आप लोगों ने बनाई, किसी ने 200 की बनाई, किसी ने 300 की बनाई, किसी ने 400 की बनाई, आप लोगों की लिस्ट बन गई है और आज भी आप लोग लिस्ट को लगातार अपडेट करते जा रहे हो। अब ये लिस्ट बन गई है, अब इस लिस्ट का करना क्या है? अब इस लिस्ट के जो लोग हैं उन लोगों को ये लिस्ट हमने क्यों बनाई, आप लोग एक बार चैट बॉक्स में डालिए, आप लोग सभी लोग डालिए, ये लिस्ट हमने क्यों बनाई है, क्यों बनाई है लिस्ट, इस लिस्ट का काम क्या है, थोड़ा सा आप लोग बताइए प्लीज, चैट बॉक्स में डाल के मुझे बताओ ये लिस्ट क्यों बनाई है आप लोगों ने, क्या करना है अब इस लिस्ट का प्लान करने के लिए। किशोर जी बोल रहे हैं इनविटेशन के लिए, ये लिस्ट बनाने का हमारा फाइनली उद्देश्य क्या है? चलो इनविटेशन करना तो एक अलग बात हो गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लिस्ट बनाने का फाइनल हमारा उद्देश्य क्या है, हमने क्यों नाम लिखे उनके, फिर क्या होगा हरी सनीदेव जी, आप उनको बिजनेस के लिए इनवाइट करेंगे फिर क्या होगा? चलो ठीक है, आपने उन्हें इनवाइट कर दिया, आपने उन्हें लिस्ट क्यों बनाई इनवाइट करने के लिए, आप लोग बताइए। अच्छा, दावत की हम लिस्ट क्यों बनाते हैं, हम जब शादी ब्याह होता है घर में तो लिस्ट बनाते हैं, हम किस लिए बनाते हैं, हम घर में जो जब हमारी शादी होती है या कोई प्रोग्राम होता है तो हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, क्यों? दावत खिलाने के लिए लिस्ट क्यों बनाते हैं, दावत खिलाने के लिए। इनविटेशन तो बीच का एक पार्ट है कि भैया दावत खिलानी है तो बुला तो लो पहले, बिना बुलाए थोड़ी आएगा कोई भी व्यक्ति। ऐसे ही हमारे बिजनेस में जो लिस्ट हमने बनाई है उसके पीछे उद्देश्य एक ही है, हमें उन्हें प्लान दिखाना है, हमारे बिजनेस में लेके आना है, या तो बिजनेस में आएगा नहीं तो प्रोडक्ट यूज करेगा, हमें उसको बिजनेस में लेके आने के लिए, उसको प्रोडक्ट देने के लिए, उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए हमने उनकी लिस्ट बनाई है। बात सही है कि नहीं? हमने लिस्ट क्यों बनाई है, लोगों को अपने बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए, उनको अपने साथ बिजनेस में लेके आने के लिए हमने लिस्ट बनाई है, राइट? अब देखिए ये जो लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों को हमारे बिजनेस के प्लान की प्रोडक्ट की जानकारी देनी है,
उस जानकारी को देने से पहले एक काम करना होता है, हमारे लोगों को जो हमने जो लिस्ट बनाई है उन लोगों को बिजनेस की जानकारी देने से पहले हमें काम करना है। पता है क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें काम करना है और वो काम करना है हमें लोगों को जानकारी लेने के लिए तैयार करना है। क्या करना है? जानकारी लेने के लिए तैयार करना है। और यदि आप किसी भी व्यक्ति को जानकारी लेने के लिए तैयार करोगे और फिर उसे जानकारी दोगे तो ही वो आपके प्लान को समझ पाएगा, तो ही वो हमारे बिजनेस प्लान को समझेगा। और यदि कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं है और हमने उसको पूरी जानकारी दे दी तो फिर वो लास्ट में एक ही चीज बोलने वाला है, सोच के बताता हूं क्यों, क्योंकि उसने कुछ सुना नहीं। तो व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले सुनने के लिए तैयार करना होता है। और ये जो सुनने के लिए तैयार करना होता है इसी को बोलते हैं इनविटेशन, जो हमारे सिस्टम का तीसरा पॉइंट है, सिस्टम का थर्ड पॉइंट, इनविटेशन विद एडिफिकेशन। महत्व का इशू है मुझे लगता है। यस मैम, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो गया था, तो बात हो रही थी इसी को बोलते हैं इनविटेशन विद एडिफिकेशन, यानी महत्व के साथ आमंत्रण। जिन लोगों को हमने लिस्ट में लिया है, जिनकी लिस्ट हमने बनाई है, अब हमें उनको बिजनेस प्लान दिखाने के लिए तैयार करना है, उन्हें आमंत्रित करना है, उन्हें महत्व के साथ इनवाइट करना है, राइट? अब क्यों करना होता है ये मैंने आपको सिंपली सबसे पहले बता दिया, क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति से अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे, किसी व्यक्ति को सुनने के लिए तैयार नहीं करेंगे, आप उनको डायरेक्ट जाके बिजनेस प्लान दिखाने लगेंगे तो हो सकता है वो अपने पुराने किसी काम में बिजी है, उनका माइंड कहीं दूसरी जगह पर एंगेज हो, और फिर आप तो उनको प्लान दिखाने में लगे हुए हो, आप तो उनको पूरा अच्छे तरीके से प्लान समझा रहे हो, लेकिन उनका ध्यान कहीं दूसरी जगह पर है और वो आपको सुन नहीं पा रहे। अच्छा, अब आप लोग एक बात बताओ, आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए और आप मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हो, अभी अचानक आपके घर में से कोई पीछे से आए और आपको आके कुछ बोलने लगे, अभी पीछे से आके आपको अचानक बोलने लगे कि नीरज ये कर लेना, नीरज वो कर लेना, कि सीमा मैम ये कर लेना, कि किशोर जी ये कर लेना, आपको कोई पीछे से आके कोई बोलने लगे तो क्या होगा? आपका ध्यान तो मेरी तरफ है, आप उनको अधमने सुनोगे, आधे मन से सुनोगे, सुन भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे क्या बोला, हो सकता है आप कुछ भी नहीं, कंफ्यूज हो जाओ, क्यों, क्योंकि आपका ध्यान तो इधर है और आपको लग रहा है ये चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वो पीछे से हो सकता है आपसे नाश्ते के लिए बोल रहे हो, आपके लिए नाश्ता उतना इंपॉर्टेंट ना हो, या आपसे किसी काम के लिए बोल रहे हो वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे आप फिलहाल अभी एंगेज हो, तो फिर होगा क्या, आप उनको सुन ही नहीं पाओगे। आप हाँ हाँ हूं तो कर दोगे, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर लूंगा, आप ठीक है बता दिया बस, मतलब आप क्या करोगे, बला टालोगे, है कि नहीं, आप बताओ। अभी आपको पता है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बीच में कोई आपको फोन आ जाए या इस बीच में कोई आपके घर का कोई व्यक्ति आ जाए और आपको कुछ बोलने की कोशिश करे तो आप क्या करोगे? हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, ओके ठीक है मैं करता हूँ बताता हूँ, ठीक है ओके, और फिर आपने सुना भी नहीं उनको उन्होंने क्या बोला, सिर्फ आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। सेम वे यदि हम किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं और हमने उससे कोई टाइम सेट नहीं किया, कोई अपॉइंटमेंट सेट नहीं है उसके साथ हमारा, और फिर हम जाके उसको प्लान दिखा रहे हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं बिजी है भाई, उसकी भी तो लाइफ है, उसके साथ भी तो परिस्थिति है, फैमिली है, बिजनेस है, उसकी नौकरी है, सब कुछ है, तो आप सोच के देखिए वो भी तो कहीं ना कहीं बिजी होगा, जैसे आप इधर बिजी हो, कोई दुकान में बिजी होगा, कोई नौकरी में बिजी होगा, कोई फैमिली में बिजी होगा, कोई फैमिली की किसी टेंशन में इन्वॉल्व होगा, कोई खुशी में होगा, कोई गम में होगा, और ऐसी स्थिति में जब कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिजी है,
आप उसको जाके बिजनेस प्लान समझा रहे हो, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। अब आप तो 1 घंटा उसके पास बैठ के आ गए, आपने खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझ पाया, क्यों? क्योंकि उसका ध्यान तो दूसरी जगह लगा हुआ था। उसका प्रमोशन हो गया है तो वो खुशी में पागल हो रहा था, उसने आपको सुना ही नहीं। उसके कोई ट्रेजिडी हो गई है तो वो गम में फंसा हुआ है, आप प्लान समझा रहे हो, वो सुन ही नहीं रहा है आपको। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे कि आप मान के चलो एक पिक्चर, कितने लोगों ने देखी है पिक्चर हॉल में, पिक्चर थिएटर में, पिक्चर कितने लोगों ने देखी है? तो ऐसे देख रहे हो जैसे कि मैंने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया, चांद से कितने लोग आए हैं? सीमा मैम ने हाथ खड़ा किया है, उन्होंने अकेले ने आज तक थिएटर में पिक्चर देखी, बाकी किसी ने पिक्चर ही नहीं देखी। कमाल है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर, प्रोजेक्टर के ऊपर प्लान कितने लोगों ने देखा है? अब तो हाथ खड़ा कर लो, ये तो हर हफ्ते देखते हो आप, हर हफ्ते जीटीएस में स्क्रीन पर प्लान नहीं देखते आप? देखते हो। अच्छा एक बात बताओ, नीचे पहले माई लाइफ का प्लान चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर माई लाइफ का प्लान चल रहा है, और उसके ऊपर लाके एक और प्लान लगा दो, तो समझ में आएगा? यानी स्क्रीन पर माई लाइफ का प्लान चल रहा है, अभी उसके ऊपर लाके एक और प्लान प्रोजेक्ट कर दो, कुछ दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर? हॉच पॉच हो जाएगा। वैसे ही यदि किसी इंसान का दिमाग खाली नहीं है, दिमाग किसी चीज को सुनने के लिए बिल्कुल ब्लैंक नहीं है, आप उसके ऊपर और कुछ डाल दोगे तो वैसे ही हो जाएगा, एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर लगा दी है। समझ में आ रहा है? आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो और वो मेंटली तैयार नहीं है, वो ब्लैंक नहीं है सुनने के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर, दूसरे के ऊपर तीसरी पिक्चर, पता नहीं उसकी तो कितनी पिक्चर चल रही है, बच्चों की भी सोच रहा है, फैमिली की भी सोच रहा है, स्कूल की भी सोच रहा है, पैसे की भी सोच रहा है, पता नहीं कितनी सारी चीजों के बारे में उसके दिमाग में पिक्चर चल रही है, और आपने उसके दिमाग पे एक और पिक्चर डाल दी, ले बेटा देख माई लाइफ की पिक्चर, उसे कुछ समझ में आएगा? और फिर हम लोग बोलते हैं सर रिजल्ट ही नहीं आता। वो रिजल्ट इसीलिए नहीं आता क्यों, क्योंकि उसका दिमाग ऑलरेडी कहीं पे बिजी था, और ऐसी स्थिति में हमने उसको हमारा माई लाइफ का प्लान भी दिखा दिया। तो एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा सारे लोग, हमारा बिजनेस प्लान इतना अच्छा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है जिसकी हर आदमी को आवश्यकता है। आप लोग मानते हो कि नहीं मानते, आप लोग बताओ पहले इस बात को, मानते हो आप लोग कि नहीं कि हमारे इस अपॉर्चुनिटी की हर व्यक्ति को आवश्यकता है, हर व्यक्ति को करना चाहिए? पैसा तो हर आदमी को चाहिए, हेल्थ तो हर आदमी को चाहिए, और हमारे काम से पैसा और हेल्थ दोनों चीज मिलती हैं, फिर भी लोग करते क्यों नहीं है? कितना जटिल सवाल है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है। सुनो ध्यान से, आप सभी लोग अभी बैठे हो, आपको बड़ी तेज भूख लगी है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, आप ट्रेनिंग में उठ के बैठ गए हो, बड़ी तेज भूख लगी है, बहुत तेज, और आपको खाना दिया जा रहा है और आप बोले नहीं 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 मुझे नहीं खाना है। मतलब अभी तो आप बोल रहे थे कि भाई कुछ भी दे दो, भूख लगी है बहुत तेज, और खाना आया तो आपने मना कर दिया। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है कि हर आदमी को पैसा चाहिए, और जब आप उसे बिजनेस दिखाने जाते हो, नहीं 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 मुझे नहीं करना है जी, मुझे नहीं करना है ये बिजनेस, है कि नहीं? यानी आपको बहुत तेज भूख लगी हो तो कुछ भी मिले तो खाओगे, तो यदि किसी को पैसा चाहिए और पैसा कमाने का मौका दे रहे हो तो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं करता वो? कारण यही है, पता है कारण क्या है? उसने ध्यान से आपके प्लान को सुना ही नहीं। सुन लीजिए ध्यान से, उसने आपके प्लान को ध्यान से सुना ही नहीं, सुना ही नहीं तो समझा ही नहीं, और समझा ही नहीं तो डिसीजन ले ही नहीं पाया। यानी हमारे बिजनेस प्लान को जो ध्यान से सुनेगा वही समझेगा, जो समझेगा वही डिसीजन ले पाएगा। तो एक फॉर्मूला नोट कर लो, अब आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, जो सुनेगा वही समझेगा, और जो समझेगा वही डिसीजन ले पाएगा।
जो सुनेगा नहीं वो समझेगा नहीं, और जो समझेगा नहीं वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, प्लान दिखाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सामने वाले व्यक्ति को प्लान देखने के लिए पहले तैयार कीजिए, और जब तक वो तैयार ना हो जाए उसे प्लान मत दिखाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। पहले सामने वाले व्यक्ति को पूरे तरीके से प्लान देखने के लिए तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, और तैयार करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद ही उसको प्लान दिखाइए। अब ये तैयार कैसे करना है, उसके लिए इनविटेशन कैसे करना है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, उसी के लिए ये सिस्टम का जो तीसरा पॉइंट है, इनविटेशन विद एडिफिकेशन काम करता है, लोगों को सुनने के लिए तैयार करने के लिए। समझ में आया? इसलिए हमें इनविटेशन की जरूरत होती है। अब कैसे करना है इसको समझिए। इनविटेशन में सबसे पहली बात, इनविटेशन को कोशिश कीजिए फोन पे कीजिए, ऑलवेज ट्राई ऑन फोन, हमेशा कोशिश करो कि इनविटेशन फोन पे ही हो। कैसे हो? कॉल पर हो। और जब भी आप उनको कॉल करें तो हमेशा अपनी बातों को सिंपल एंड शॉर्ट रखें, मतलब फोन पे आपको लंबी बात नहीं करनी है इनविटेशन से संबंधित। आपको क्या करना है, इनविटेशन को शॉर्ट रखना है। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, किस फॉर्मूला को, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जब भी आप बात करोगे इनविटेशन के लिए किसी भी व्यक्ति को, तो हमेशा सिंपल एंड शॉर्ट बात करनी है। इनविटेशन को सिर्फ इनविटेशन रखना है, इनविटेशन में कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप उनको इनवाइट करो, सुनो ध्यान से, जब भी आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करो तो हमेशा ध्यान रखो बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है, बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है, टोटल सस्पेंस, 100% सस्पेंस। इनविटेशन में यदि आपने प्रेजेंटेशन कर दिया तो सामने वाला व्यक्ति आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगा, टाइम नहीं देगा। इसलिए आपको क्या करना है, इनविटेशन में हमेशा आपको सस्पेंस रखना है। वो कब हो पाएगा? जब आप बिजनेस की कोई बात न करें, बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट में बात करें। क्या बात करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सस्पेंस डाल के छोड़ दें। सस्पेंस पता है कैसे डाला जाता है? सस्पेंस बताता हूं कैसे डाला जाता है। कमलवीर जी, आजकल बहुत मस्ती मार रहे हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है मुझे आपके बारे में, बस सस्पेंस छोड़ दिया। अभी बेचारा परेशान रहेगा, पता नहीं क्या बात पता चल गई है। कृष्णा भाई, क्या हो रहा है आजकल, ये क्या सुनने को मिल रहा है, क्या हो गया सर, क्या हो गया? अरे नहीं, क्या हो रहा है आजकल, ये तुम्हारा ध्यान किधर है? अब बस इतना बोल के छोड़ दिया बेचारा कृष्णा, परेशान, पता नहीं क्या बात है, कौन सी बात है। इसको बोलते हैं सस्पेंस क्रिएट करना। समझ में आता है? नहीं आता है? सीमा मैम, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। क्या बतानी है? बाद में बताऊंगा, सस्पेंस। समझ में आ रहा है? अब सीमा मैम परेशान है, पता नहीं सर क्या बताने वाले थे, क्या बताने वाले थे, सर ने बताया नहीं। समझ में आ रहा है? सस्पेंस। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है आपको इनविटेशन में ना सस्पेंस क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला यही है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। आपको क्या करना है, जब भी कॉल करोगे किसी को इनवाइट करने के लिए तो आपको सिंपल एंड शॉर्ट, राइट। दूसरी चीज, जब भी किसी को बात करोगे इनविटेशन के लिए, तो ये एक फॉर्म सीक्वेंस है, ये फॉर्म फॉर्मूला है, इस सीक्वेंस में बात करनी है। यानी जब भी किसी को कॉल करो तो सबसे पहले बात करो उसके फैमिली के बारे में, पूछो उसके फैमिली में सब लोग कैसे हैं, फिर पूछो उनका काम कैसा चल रहा है, ऑक्यूपेशन, उनकी नौकरी कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है, खेती कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, व्हाटएवर दे आर डूइंग,
जो वो कर रहे हैं उसके बारे में पूछो, और तीसरी चीज पूछो और क्या चल रहा है आजकल, नया क्या चल रहा है, और क्या हो रहा है, और बताओ। हम लोग किसी का फोन आता है तो क्या बोलते, और बताओ क्या हो रहा है, और लास्ट में फिर उनको मैसेज दे दीजिए। और मैसेज जो देना है वो सिर्फ 3 सेंटेंस में देना है, सिर्फ 3 ही सेंटेंस यूज करने हैं। एक बहुत बढ़िया काम है आप कर सकते हो। सामने वाला पूछेगा क्या है, सामने वाला पूछेगा क्या है, तो उसको सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, उसके लिए तो बैठ के डिस्कस करेंगे, फोन पे पॉसिबल नहीं है। क्या? उसके लिए तो बैठ के डिस्कस करेंगे, फोन पे पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये 3 सेंटेंस में आपको बात करनी है। अब ये 3 सेंटेंस आप अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। कैसे कैसे बोल सकते हो आप? एक बहुत अच्छा काम है, एक पार्ट टाइम ऑफर है, एक फुल टाइम ऑफर है, एक बहुत शानदार काम है, लेकिन उसके बारे में मुझे आपको एक सलाह देनी है, एक सलाह लेनी है। और या फिर अभी मैंने एक नया काम स्टार्ट किया है, मैंने एक नया काम डाला है, अभी मैंने एक नया काम डाला है जिसका बेनिफिट आप भी ले सकते हो। क्या है? अब जितने भी ये चीजें बोली हैं, ये 5 चीजें मैंने बोली, एक अच्छा काम है, पार्ट टाइम वर्क है, फुल टाइम वर्क है, एक सलाह है, या उसके बाद में मैंने एक काम शुरू किया है, या एक नया काम डाला है, आप इनमें से कुछ भी बोलो, इसके बाद में आपको एक चीज बोलनी है, क्या आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। और जैसे आप बोलोगे आप भी कर सकते हो, तो सामने वाला व्यक्ति पता है क्या बोलेगा, क्या है? तो आपको सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, उसके लिए तो किसी दिन आधा घंटा फुर्सत से बैठ के बात करेंगे, कब पॉसिबल है। और आपको फिर टाइम सेट करना है, अपॉइंटमेंट सेट करना है, और बस इनविटेशन में एक बात का ध्यान रखना है आपको, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको बोलने से बचना है, मीटिंग, कंपनी, स्कीम, जोड़ना, मेंबर बनाना, सामान खरीदना, आदि शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं ये वर्ड्स। यदि आप इन शब्दों को इस्तेमाल करोगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति पहले से अंदाज लगा लेता है। आपने बोला मीटिंग है, तो ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो इंसानों को कई बार सुनने में आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में, तो जब आप इन शब्दों को इस्तेमाल करते हो तो वो पहले से अंदाज लगा लेते हैं, अच्छा वो जोड़ने घटाने का चक्कर होगा, अच्छा वो मेंबर बनाने वाला काम होगा, दो बनाओ, दो के दो बनाओ, मतलब आदमी अपने आप ही दिमाग लगाना चालू कर देता है। तो इसलिए इन शब्दों को आपको बोलने से बचना है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा इनविटेशन। इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन क्यों जरूरी है, और इनविटेशन कैसे करना है, सिर्फ 3 ही सेंटेंस ध्यान रखने हैं। कैसे करना है, मैं एक बहुत शानदार काम है, बहुत बढ़िया काम है, मैंने एक नया काम डाला है, एक पार्ट टाइम में एक बहुत अच्छा काम आया है, फुल टाइम में एक बहुत अच्छा काम आया है जिसे आप कर सकते हो। क्या है? उसके लिए आधा घंटा फुर्सत में बैठ के बात करेंगे, कब पॉसिबल है, बस टाइम, वेन्यू और जगह फाइनल कीजिए, फिनिश। तो ये था हमारा इनविटेशन, जिसके ऊपर कल से हम लोग करेंगे खूब सारा प्रैक्टिकल। बाकी अब मैं मैम को इनवाइट करना चाहूंगा आज की मीटिंग के समापन के लिए, मैम आए और आज की इस मीटिंग का समापन करें, प्लीज मैम, वेलकम। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए, इनविटेशन के बारे में यदि आपने पूरे मन से, पूरे ध्यान से आज का प्रोग्राम सुना है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से इनवाइट करना है। लेकिन कल से तो आपको भी करके दिखाना, प्रैक्टिकल्स होंगे यहाँ पर। इस वीक में बहुत सारे प्रैक्टिकल होंगे और जो लोग प्रैक्टिकल में पार्टिसिपेट थे उनका देखिए प्रैक्टिकल बहुत शानदार होगा यहाँ पर। और उसके ऊपर आपको नंबर मिलेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, बोलने के नंबर, इनविटेशन को बोलने के नंबर, खाली बोलने के नंबर नहीं, इनवाइट कैसे करते हैं इसके लिए नंबर आपको मिलेंगे। और यदि आप एक बार बोलते हैं तो 2 नंबर, 2 बार बोलते हैं तो 2 2 नंबर, 4 नंबर, 3 बार बोलते हैं अगर तो 2 2 नंबर, 3 बार, यानी 6 नंबर आपको एक ही प्रोग्राम में आधे घंटे के अंदर ही मिल जाएंगे। तो अब आपको देखना है कि आप कितना बोलते हैं इनविटेशन के ऊपर। और ये कंडीशन है कि बोलकर वीडियो बनाना चाहिए, जिनका वीडियो ऑफ है उनसे बोलने के लिए नहीं कहा जाएगा। जो सामने बैठ नहीं पा रहे, कोई भी बात नहीं कर पा रहे, हो सकता है किसी की कोई ट्रैवलिंग में हो या कुछ हो,
तो एक बार वो हमें दिखाएंगे जरूर कि वो ट्रेवलिंग में है, तब उनको मान लिया जाएगा, उनको हम सुन भी पाएंगे। लेकिन यदि आप बता भी नहीं पा रहे हैं और बोल रहे हैं बिना वीडियो ऑन किए, तो हम नहीं देख पा रहे कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं, तो नहीं माना जाएगा। एमएमसी को यदि जो लोग बोनस नंबर लेना चाहते हैं, अपने आप को कमांड लेना चाहते हैं, एमएमसी के एमएमसी वो फॉलो करेंगे और ओपन करके उनको 5 नंबर मिले 30 मिनट, 6 बजे से 6:30 बजे तक। यदि कोई एमएमसी में ओपन के बैठे हो, 5 नंबर एक्स्ट्रा बोनस के। और ने कहा था कि टीएस को फोकस करना है और इससे ही कामयाबी मिलती है, तो बिल्कुल जो लोग जीटीएस उनको 5 नंबर दिए जाएंगे, और जो अपने साथ किसी व्यक्ति को लेके जाएंगे उसको भी 5 नंबर मिलेंगे, उसके लिए भी, उस लीडर को या उस डिस्ट्रीब्यूटर को एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलेंगे। एक व्यक्ति को भी लेके जाते हैं, चाहे आप बरेली जीटीएस में जाएं, चाहे आप अलीगढ़ जीटीएस में जाएं, चाहे आप दिल्ली के जीटीएस में जाएं, जहां पर भी। लेकिन जहां पर जीटीएस हो रहे, जहां पर लोग आरटीएस नहीं है, अगर वो तो दूसरे शहर में भी जीटीएस जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं जा पाते हैं, तो जो लोग हाउस मीटिंग करेंगे, जो लोग हाउस मीटिंग की पिक डालेंगे, आपको पिक डालनी है, चाहे आप जीटीएस में गए हैं, चाहे आप हाउस मीटिंग कर रहे हैं, कम से कम हाउस मीटिंग 8 लोगों की यदि कोई भी व्यक्ति कर रहा है और अपनी मीटिंग में वो हाउस मीटिंग की पिक डाल रहा है, उसको भी एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलेंगे 5 नंबर। तो यदि अभी आपके आसपास कोई जीटीएस है, तो जीटीएस में जाइए, अपने लोगों को लेके जाइए, और यदि आसपास में कोई जीटीएस नहीं है, तो इसकी शुरुआत होती है हमारी हाउस मीटिंग से। और हाउस मीटिंग करते करते आप भी ऐसा माहौल बना सकते हैं अपनी जगह पे, जहां पर आप भी जीटीएस कर सकें या बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर सकें और इसको करें, तो ठीक रहेगा मुकेश साहब। हम यस 5 नंबर मैम, देंगे हाउस मीटिंग के लिए भी और जीटीएस के लिए भी, तो अपने अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि जीटीएस नहीं हो रहा है वहां पर, वो हाउस मीटिंग करें ज्यादा से ज्यादा और अपने मार्क्स को बढ़ाएं, और जहां पर जीटीएस हो रहे हैं वहां अपने लोगों को लेके जाएं, आप भी जाएं और अपने मार्क्स बढ़ाएं। तो मुझे लगता है इस वीक में हमारे सारे लीडर्स अपने जीटीएस में जरूर जाएंगे और अपनी अपनी पिक जरूर देंगे हमें, ताकि हम आपके मार्क्स को ऐड कर सके। और सभी जहां लीडर्स एसटीसी मैम, जहां जी जीटीएस होता है, जिस शहर में जीटीएस हो रहा है, यदि उस शहर में बंदा जीटीएस में नहीं जा रहा है, सिर्फ हाउस मीटिंग का फोटो डाल रहा है, उसको नंबर नहीं देंगे। यानी जीटीएस में जा रहा है और फिर हाउस मीटिंग भी कर रहा है, तो उसको दोनों पे नंबर मिलेंगे, हाउस मीटिंग पे भी मिलेंगे, क्या जीटीएस पे भी मिलेंगे। लेकिन जीटीएस में नहीं जा बिल्कुल रहा है और सिर्फ हाउस मीटिंग कर रहा है सुबह से शाम तक चार, उसको नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। जीटीएस जहां होता है वो प्रायोरिटी पे हमारे लिए जरूरी है, और इसीलिए वो हम लोग ये चाहते हैं कि आप भी इस चीज को फॉलो करें और इसका फायदा उठाएं। तो ठीक है, सभी लोगों को मार्क्स मिलेंगे, और आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम, यहाँ हम कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन कल से 1 हफ्ते का, 25 से 31 तारीख का बोनस का वीक है, 50 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, और जो लोग इस बोनस का फायदा उठाएंगे उनके मार्क्स बहुत अप हो जाएंगे। बाकी लोग ये ना कहें कि हमने बोनस का फायदा नहीं उठाया, कमांडो तो हर चीज में आगे रहता है। यदि कमांडो बनना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि जी बोनस मार्क्स हमने नहीं लिए, हम पीछे क्यों रह गए। आप पीछे ही रह जाएंगे यदि आप बोनस को फोकस नहीं करेंगे। तो बोनस को फोकस करिए और हर एक से आगे रहिए, हमेशा आगे रहिए। 50 दिन के बाद देखना है कि कौन कौन है यहाँ पे कमांडो। ऑल द बेस्ट, सभी को नमस्कार। लीडर्स मीट के लिए सभी लीडर्स तुरंत जुड़ेंगे। सभी को नमस्कार।